उसकी रेस्टोरेशन की बात करता है। मुझे नहीं लगता जो भी हाउस में अंदर जितने भी लोग थे किसी को भी अपोज करना चाहिए। वी आर सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन इट्स ओरिजिनल स्पिरिट, इन इट्स प्रिस्टीन स्पिरिट, एंड रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट वाज एब्रोगेटेड ऑन 5th August 2019 बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उसकी रेस्टोरेशन के लिए हमने रेजोल्यूशन लाया। अब कुछ लोगों को बुरा लगा हो बट हमारी अभी भी गुजारिश है कि सियासत से के बिना इस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि कश्मीर के आवाम के जज्बात जो है उनकी नुमाइंदगी हो और उन्हें लगे कि हमारे वोट ज़ाया नहीं हुए। अगर हम पानी, सड़क, बिजली, बेरोजगारी, भूख, उसके लिए हम वेट कर सकते हैं, लेकिन दिस रेजोल्यूशन इज अबाउट द डिग्निटी एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। सो दिस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड द फर्स्ट बिजनेस ऑफ दिस हाउस। इसलिए हमें लगा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने स्पीकर साहब से गुजारिश की कि इसको बिजनेस में लाया जाए, आज नहीं कल परसों, 3-4 दिन है उनके पास, दे कैन ब्रिंग इट and make it part of a business. We have requested him, humbly we have requested him to make this resolution as part of business. Aur hum is resolution pe national conference ka support bhi mangte hain. Ab rahi baat jo Umar sahab ne ilzam lagaya ki inhone humse baat nahi ki, wo wajah ye hai ki jab inhone pehla resolution cabinet mein laya वो इन्होंने स्टेटहुड पे लाया, इन्होंने 370 पे नहीं लाया और उस वक्त भी इन्होंने बात नहीं की। और जब वे पहली बार चीफ मिनिस्टर बन के दिल्ली चले गए तो दे शुड हैव कंसल्टेड एवरीवन, दे शुड हैव हॉल्ड ऑल पार्टी मीटिंग एंड कंसल्टेड ऑल लीडर्स ऑफ जम्मू कश्मीर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी एंड रीजन्स, और बताना चाहिए कि हमें दिल्ली लेके कौन सा पैगाम जाना है, क्योंकि 5 साल के बाद ये असेंबली बनी है, लोगों के इतने जज्बात एसोसिएटेड हैं। इस वक्त उमर साहब पूरे सबके लीडर हैं, उनको सुनना चाहिए था लोगों की बात, उनको हम सबको बुलाना चाहिए था, अपोजिशन के लीडर उनको बुलाना चाहिए था और उनसे बात करनी चाहिए थी। और दूसरा इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया कि कैमरा के लिए है, 370 की जो बर्बादी हुई, जो स्टेट की तबाही हुई, वो सरेआम हुई, वो जंगल में नहीं हुई, वो कैमरा पे खुल के हुई। 5 अगस्त को जिस जम्मू कश्मीर के साथ वो पार्लियामेंट के हाउस से हुआ एंड इट वाज वेल रिकॉर्डेड। Whatever happens on 5th August cannot be a secret. It's not a state secret. We should fight for restoration of Article 370 and special status of Jammu and Kashmir in open press, open media, streets pe, sadkon pe, assembly mein, open camera mein. Yes, this is an exercise also to address media because it's very important so that the people of Jammu Kashmir know and the people in the mainland country know ki Kashmir ke logon ne jo faisla liya is mulk ke saath chalne ka, ilhaq ke saath chalne ka. We are with that move, but at the same time we want our dignity, our identity, our interests, our state to be protected and our rights to be secured by the constitution of India, by the constitution of Jammu and Kashmir state as well. Kya layamal rahega aage jis tarah se abhi bhi chal raha hai, kya layamal rahega aapka? Aapne kaha ki aapka jo tadad hai PDP ko sab yahan ki is wale se aapka par pehle wo pehle dekhiye ये जो रेजोल्यूशन हमने लाया ये पीडीपी का रेजोल्यूशन है, लेकिन जो बात हम इस रेजोल्यूशन में कर रहे हैं उसी पर शेख अब्दुल्ला साहब ने अपनी पूरी सियासत की है। वी आर सीकिंग द रेस्टोरेशन ऑफ शेख अब्दुल्ला लेगेसी, वी आर सीकिंग द रेस्टोरेशन ऑफ अ स्टेट विच वॉज क्रिएटेड बाई अ जम्मू हिंदू महाराजा। तो हमने कोई एंटी नेशनल रेजोल्यूशन नहीं लाया और हम ये कहते हैं असेंबली में लाया है, अगर उसमें इनको लगता है आज नहीं कल लेना चाहिए, इन्हें ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए। इन्होंने कांग्रेस के साथ बात की, इन्होंने कैबिनेट में रेजोल्यूशन लाया क्योंकि हमें लगा इनकी नीयत कैबिनेट में स्टेटहुड की है। और ये भी मैं आपको बोलता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ हाउस पे कहा कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने पहली कैबिनेट जब की उन्होंने भी स्टेटहुड मांगा 5 साल बाद, और आज गवर्नर साहब ने जब आज पहला स्पीच दिया उन्होंने भी स्टेटहुड का वादा दिया। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे जो बीजेपी कहती है और जो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब कहते हैं या उमर साहब कहते हैं, दे आर ऑन द सेम पेज दैट जम्मू एंड कश्मीर नीड्स द फर्स्ट स्टेप इज स्टेटहुड। बट द डिमांड इन जम्मू एंड कश्मीर, जो लोग हैं, जो जहां जमीन पे हमने वोट लिया लोगों से, जो वादे किए, वहां उमर साहब ने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहला रेजोल्यूशन 370 पे होगा, उनकी हुकूमत का पहला रेजोल्यूशन 370 पे होगा, बट उनकी हुकूमत का पहला रेजोल्यूशन स्टेटहुड पे था। इसलिए वी आर नॉट हियर टू ब्लेम हिम, वी डोंट वॉन्ट any scenes, we don't want opposition and we don't want create problems. हम दुआ करते हैं उनकी सरकार 5 साल चले, हम उनके साथ हैं, वो खुद को अकेला ना समझे, हम सब उनके साथ हैं। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने, महबूबा जी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन हमें दी है कि गवर्नमेंट चलनी चाहिए पूरे कंडिसिव एटमोसफेयर में, अपोजिशन
आप क्रिटिसाइज करिए, लेकिन कहीं पर ऐसी चीज ना करें जिससे हुकूमत को नुकसान हो। लेकिन लेकिन हम उमर साहब से ये कहते हैं कि जो वादे हमने सड़कों पे किए, लोगों से किए, पास्ट में जिसने भी गलतियां की उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं। अगर हमसे भी गलतियां हुई हम भी माफ़ी मांगेंगे। हिस्टोरिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो गलतियां की उनके माफ़ी मिल सकती है लोगों की। लेकिन इस वक्त द फ्यूचर कैन नॉट बी गवर्न बाई द पास्ट मिस्टेक्स। दिस इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉट अबाउट अ पार्टी। दिस इज नॉट अबाउट NCPDP, कांग्रेस और BJP फाइट। दिस इज अबाउट रेस्टोरिंग द डिग्निटी एंड प्राइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और वो खुल के जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को तोड़ा वो कश्मीर का गवर्नमेंट था, और अगर उसके लिए कैमरा से क्या, सड़क से क्या, असेंबली से क्या, पार्लियामेंट से क्या, जहाँ हमें जगह मिलेगी हम बात करेंगे ताकि